सीलमपुर इलाके में गैंग ने युवक को मारी गोली। पार्क में झूला लगाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस कर रही है मामले की जांच। देर रात रघुवरपुरा के दो मंजिला इमारत में लगी आग। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की कर रही है जांच। अंधाधुंध डकैती का मामला 48 घंटे के भीतर सुलझा। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन किए बरामद। एक आरोपी की तलाश जारी। अवैध पार्किंग से लोगों को हो रही है परेशानी। लोगों को जाम का करना पड़ रहा है सामना सड़क पर। दोनों तरफ गाड़ियां हो रही हैं खड़ी। पूर्व दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थिति दयनीय। एक महीने से नहीं हो रही है सफाई। नवचरना अपार्टमेंट के बाहर पड़ा है गंदे नाले का कूड़ा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पूर्वी दिल्ली खास में। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली की कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के सीलमपुर इलाके की कबाड़ी मार्केट से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां नाबालिगों के गैंग ने शहनवाज नाम के एक युवक के सिर पर गोली मार दी, जिसके बाद शहनवाज को गंभीर हालत में जग प्रवेश चौधरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में शहनवाज को गुरु तेग बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। दरअसल शहनवाज के भाई इलाके में बने एक छोटे से पार्क में झूले का काम करते हैं। पीड़ितों के अनुसार झूले लगाने के एवज में मस्तान गैंग लगातार उनसे पैसे की मांग कर रहे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि देर रात भी मस्ताना गैंग के लोगों ने पीड़ित परिवार पर कट्टे से हमला किया, जिसमें पीड़ित परिवार की महिलाओं ने गैंग के लड़कों से कट्टा छीनकर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पीड़ित के परिजनों ने आरोप है कि यदि पुलिस रात में ही कोई ठोस कदम उठा लेती तो शायद आज ये गोलीकांड नहीं होता। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन दिहाड़े एक शख्स को गोली मार दी जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ उनके परिवार वाले, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। मुस्कान, क्या पूरा मामला था, किस दौरान ये गोली चली और जो जिनको गोली लगी है उनका क्या नाम है और कितनी उम्र है उनकी? वो मेरे चाचा हैं, 32 साल उम्र है उनकी। छोटे वाले से झगड़ा हुआ था, खर्चा मांगने आया था वो 2-3 दिन पहले ही। इससे यूँ कह रहा था अगर झूले लगेंगे तो यहाँ पे इसमें से आधा चाहिए। ठीक है, हमने कंप्लेंट करी, हम उसके घर पे लेके गए पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने वहाँ पे मामला ख़त्म कर दिया। अब वो कल आके हमारे छोटे वाले चाचा को वहाँ से घर सीट तब लाया जहाँ झूले लग रहे थे, वहाँ से उनसे आधे पैसे मांग रहा था बंदूक रख के कि आधा पैसे चाहिए मुझे यहाँ से अभी दो। तो उन्होंने मना करा। ठीक है, उन्होंने जहाँ जो झूले लाते हैं उन्हें भी धमकी दी और हमारे चाचा को भी दी। हमारे चाचा को यहाँ पे लाने के बाद उसने खूब मारा पीटा। ठीक है, फिर हमने उससे हमें आवाज़ आई बंदूक की सी, तो उन्होंने फायरिंग करी। ठीक है, हमें बंदूक की सी आवाज़ आई, हमने उसे पकड़ा। हमारी अम्मी ने बंदूक से छुटाया। हमारे भाई भाई निकले यहाँ से पकड़ने के बाद, अब वो यहाँ से भाग गया वो छुटा के। फिर 4-5 लड़के और आए, बंदूक सबके हाथ में थी, 20-25 जने थे मतलब। अब वो सब यहाँ से भागे। अब वो फिर औरतों के ऊपर चढ़ चढ़ के भागे, मतलब हमने उसे गाली वाली बकी तो वो हम पे चढ़ आया। फिर चढ़ने के बाद हमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई हमारी उससे। फिर वो बंदूक मांगने आया, बंदूक मांग के हमसे कहने लगा लाओ हमारी बंदूक दे दो, तो हमने उसे दी नहीं। वो थोड़ी देर बाद पुलिस वाले आ गए, हमने पुलिस वालों को बंदूक दे दी। अब हमने कहा उनसे पुलिस वालों से कि कोई एक्शन लीजिए आप, कोई कुछ करिए, तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तुम खुद देखो, तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे तुम खुद देखना। आप बताइए हम कैसे देखें? पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए होती है, वही तो देखेंगे हमारे हैं। सुबह को हमारे बड़े वाले चाचा, उनसे बड़े हैं, शानवाज नाम है उनका, 32 साल की उम्र है उनकी। अब वो झूलों पे जा रहे थे तो उन्हें गोली मार दी, पीछे से शूट कर दिया और शूट करके वो पीछे से भाग गया। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और साफ इनकार कर दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे तुम खुद देखना। अब बताइए पुलिस ऐसे करिए तो हम क्या करेंगे? मैं बहन हूँ उसकी। ठीक है, मुझे तो फोन करा, मैं रात को फोन करा था तो रात को मैं आई थी, पुलिस वाले से मेरी बात हुई थी रात को। मैंने कहा, मैंने कहा एक बात बताओ, 2 दिन से तुम्हारे पास कंप्लेंट जा रही है, तुमने क्या करा? तो कह लेंगे ऐसा है हम कर लेंगे, हमारा काम हमें करने दो और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो दोबारा आ जाए। तो बताओ ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो किसकी है? ये बताओ अभी शहनवाज की क्या हालात है? अभी कोई खबर नहीं मिली मुझे, वैसे तो कह रहे हैं सही है लेकिन अभी मुझे कुछ वो नहीं है क्योंकि अभी हम देखने नहीं गए। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। यासीन जो है, जो गैंग चलाता है सुहेब मस्तान का बाप, इसका अभी कुछ दिन पहले इसके एक लड़के का मर्डर हो गया है। इसके सुहेब के चक्कर में हुआ था, अभी एक साल नहीं हुआ, अब मर्डर हो गया। लेकिन उनने तो यही कांड कर रखा है कि ऐसा है दूसरों के साथ कांड करना है, नोट लेने।
मामला ये है, रात को कल दंगा हुआ, वो लड़ाई झगड़ा हो गया था इनका आपस में, तो उस टाइम पे जो है बीच बचाव भी हो गया था, तो दो कट्टे ये लेकर आए थे जिसमें से एक कट्टा इन्होंने छीन लिया था, वो पुलिस के हवाले कर दिया था। फिर इनके घर वालों ने फिर भी कंप्लेंट करी थी कि भाई वो गिरफ्तार करो, इन्हें पकड़ो। पुलिस वालों ने जैसे भी कार्रवाई करी वो करी। फिर सुबह के टाइम जो है जब लगभग 10 या 10:30 बजे इसका भाई जो है वो कालकाजी रहता था, जो अनजाने में उसको गोली मार दी गई है, जो यहाँ नहीं था लेकिन वो सुबह आया था 11:30 बजे। कितनी गोली लगी थी? लगभग एक गोली यहाँ पर सड़क पे पड़ी हुई मिली है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से ये पूरी वारदात हुई। कैमरामैन महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीजन लाइव, दिल्ली। गांधीनगर इलाके के रघुबरपुरा में वीरवार देर रात 2 मंजिला मकान में आग लग गई। इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है, वहीं एक बुजुर्ग घायल हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंचे, जहां 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं दम घुटने के कारण बुजुर्ग महिला की मौत बताई जा रही है। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआत में आशंका जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट और घर में जलाई गई अखंड ज्योत की वजह से आग लगी होगी। बता दें, हादसे के वक्त पहली मंजिल पर बुजुर्ग दंपति सोए हुए थे। बुजुर्ग सरोज घर के शौचालय में छिप गई। उनके पति किशन मिश्रा सीढ़ियों से घर से बाहर चले गए, देखते ही देखते पहली मंजिल पर आग फैल गई और बुजुर्ग पूरी तरह से फंस गए। जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि रात करीब 3 बजे एक मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। धुएं के कारण झुलसे बुजुर्ग किशन शर्मा का इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें, उनकी पत्नी का शव शौचालय में पड़ा मिला था। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बीती रात में सुबह 3 बजे तड़के हमें कॉल मिली थी कि गांधीनगर थाना इलाके के रघुवरपुरा इलाके में गली नंबर 11 में घर में आग है। तो वहाँ पे हमारे SHO विद स्टाफ पहुँचे टाइमली और उन्होंने फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया। तो ये 2 मंजिला घर था जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे एक बुज़ुर्ग जो उसके ओनर हैं अपनी पत्नी के साथ रह रहे थे, तो आग पे काबू पाया गया। लेकिन सफोकेशन की वजह से जो बुज़ुर्ग लेडी हैं जिनकी उम्र 72 साल है, उनकी डेथ सफोकेशन से हुई है। दिल्ली पुलिस ने 48 घंटे के अंदर एक अंधाधुंध डकैती का मामला सुलझाया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को पास एक डकैती की सूचना मिली थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने उन्हें बताया कि 3 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उसका फोन छीन कर ले गए और एक पर्स भी जिसमें की 5,500 रुपए और दस्तावेज थे। मधु विहार पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया और मामले की जाँच शुरू की गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए टीम का गठन किया गया। टीम ने 50 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाल कर आरोपी की जानकारी जुटाई, जिसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास एक मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस एक और आरोपी की तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह अवैध पार्किंग से लोगों को आए दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग रोड के दोनों साइड पर अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से रोड घिर जाती है और लोगों को सड़क पर गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतें होती हैं। साथ ही पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। वहीं रोड पर अवैध रूप से खड़ी गाड़ियों की वजह से जाम भी लगता है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की मिलीभगत से इस तरह की पार्किंग लग जाती है। निगम हो या फिर ट्रैफिक पुलिस, अगर सख्ती से इन गाड़ियों को खड़ी करने वालों पर अंकुश लगाए तो ये समस्या दूर हो सकती है। ये रोड का एक तरफ तो कुछ स्कूटरों ने और दूसरी साइड अवैध पार्किंग वालों ने घेर रखे हैं, जिसके कारण बीच में रोड बिल्कुल तंग हो जाता है। और मेन समस्या दिल्ली के अंदर यही है कि इसके अंदर ना तो ट्रैफिक स्मूथ चल सकता है और ना ही इसके अंदर कोई निकलना चाहे निकल सकता है, जिसके कारण ओवरलोडिंग हो जाती है रोड पर और ट्रैफिक जाम की समस्या सबसे भारी दिल्ली में इसी के कारण है। लगातार ये गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी रहती हैं या हटती भी हैं? ये ज़्यादातर गाड़ियाँ एक एक हफ्ता तक नहीं हटती है, 4-5 दिन तो कोई हटती नहीं है। जैसे आप देखें कितनी धूल और मिट्टी व्हीकल के ऊपर है, इनके ऊपर व्हीकल के ऊपर धूल मिट्टी, यही बता रही है। नीचे से देख ले, सफाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये गाड़ियाँ 4-5 दिन तो हटती नहीं है, जिनके कारण ना प्रॉपर सफाई हो पाती है और बीमारी का कारण और ट्रैफिक जाम का कारण ये बनती है। सर, परेशानी तो इतनी होती है कि आप सोचिए, अगर किसी को अपनी बाइक के आगे दो लोग बाइक लगा के चले जाते हैं, गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, किसी को निकालना है, इमरजेंसी है, कहीं जाना है, तो कोई जा नहीं सकता है। इतनी दिक्कत है कि मतलब एक छोटा सा रोड है, आप ये नहीं देख रहे कि कहाँ हम खड़ी कर रहे हैं, कहाँ नहीं। किसी और को भी गाड़ी निकालनी होगी या नहीं निकालनी होगी, बस हमें खड़ा करना, जहाँ जगह मिली वहाँ लगा के चले जाओ। गाड़ी की जो पार्किंग है ना रोड पर खड़ी हुई है, ये वजह कई लोग रहते हैं, ट्रैफिक पीछे हैं लेकिन गाड़ी यहाँ खड़ी कर जाते हैं। सुबह सुबह जब स्कूल का टाइम होता है बच्चों का, तो कूड़े वाली गाड़ी आती है, तो स्कूल में भी काफ़ी टाइम लग जाता है लोगों को गाड़ी मतलब के हटवाने के लिए, और बच्चों को स्कूल के लिए काफ़ी देर हो जाती है इस वजह से, तो गाड़ियाँ हटनी चाहिए।
पूर्वी दिल्ली का पीडब्ल्यूडी विभाग जो कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है, इसकी हालत इस समय दयनीय बनी हुई है। इसका उदाहरण नवचरणा अपार्टमेंट के सामने फैला गंदे नाले का कचरा है, जिसकी सफाई एक महीने पहले की गई थी। एक महीने पहले हुई सफाई से वहां रह रहे लोगों को ये तो तसल्ली जरूर मिल गई थी, लेकिन एक महीने बाद फिर से लोगों को उसी गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक विभाग द्वारा नाले की सफाई नहीं की गई है और वहीं मलबा भी नहीं उठाया गया है, जिससे अपार्टमेंट के सामने ही कचरा फैल गया है। ऐसे में लोगों को रोजाना कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। पिछले एक महीने से ये मलबा निकाल के रखा हुआ है, ये उठाते नहीं है। हालत ये है, हर बारी इसको उठवाने के लिए या तो CCN न्यूज में चलता है या LG ऑफिस तक लिखना पड़ता है। पिछले एक साल से जब से निगम परिषद आम आदमी पार्टी की चुनी है, PWD ने हमारा जीना हराम कर रखा है। जीवन बीमा के बाहर भी कूड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ भी रोड टूटा हुआ है, एक साल से रोड नहीं बन रहा। क्या मतलब हमारा यही काम रह गया कि छोटे छोटे कामों के लिए LG को लिखते रहें? हम इंसान हैं, बल्कि झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनियों में भी ऐसी हालत नहीं होगी। हमेशा यही होता है, LG ऑफिस को लिखना पड़ता तब उठता है, या CCN न्यूज़ हाईलाइट करता तब होता है। स्मेल गंदी है, बदबू इतनी ज़्यादा है, जीना हराम हो रखा है हमारा। ये सुनने वाले नहीं है PWD के। ये JCB मशीन से निकाला है, ये यहाँ पे कई बैठ के शराब पीते रहते हैं। अब कोई मर जाएगा या बच्चे चैतू तोड़ने आते हैं, कोई मर जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, ये दिल्ली सरकार की करनी और कथनी दिखाई दे रही है। करनी और कथनी में क्या फ़र्क है वो यहाँ आप देख सकते हो। दिल्ली सरकार, जब दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा किया था तो बड़े बड़े दावे करते थे, वही केजरीवाल जी खंभे पर चढ़ जाया करते थे, वही केजरीवाल जी उठा के टोकरी से कूड़ा फेंका करते थे। और आज उनका पार्षद यहाँ जीत गया, पहले शोर मचाते थे, ढिंडोरा पीटते थे, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, नगर निगम में आम आदमी पार्टी सरकार। अरे अब तो आपकी सरकार है, अब तो आपकी निगम पार्षद है, फिर ये हाल क्यों है? क्यों गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं लोग? करनी और कथनी में फ़र्क नज़र आता नहीं आता है? जो गंदगी है हर जगह में, ये सफाई होना चाहिए। ये आदमी को जो दूषित होता है, इसमें बीमारी होता है, मच्छर डेंगू होता है, ये सब गंदगी है। देखिए चारों तरफ गंदगी मचा हुआ है, इसको ज़रूर साफ होना चाहिए। बीमारी बढ़ रहा है इसमें, इसमें हमेशा बीमारी बढ़ रहा है, बच्चों का, बड़े का, और जो यहाँ बास फ्री कर रखा है लेडीज के लिए। पूर्वी दिल्ली के कांतिनगर नाले में पड़े कूड़े में अचानक से आग लग गई। आग लगने की अभी तक कोई स्पष्ट वजह साफ नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया गया। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। वहीं अचानक आग लगने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंचे CCN संवाददाता विवेक पठानिया ने दमकल केंद्र के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि आग लगने की सूचना करीब 10:45 के आसपास मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि यहां आग लगने का कारण यही कि जनता है, क्योंकि यही लोग नाले में कूड़ा डालते हैं। वही जनता से बात की तो उन्होंने कहा कि सूचना के बाद दमकल विभाग पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। सर, आप यहाँ रहते हैं, कूड़े में आग लगी, कैसे लगी, कुछ जानकारी मिली हो? जानकारी नहीं, 10 बजे से आग लगी है, सुबह लगभग बुझ गई है। थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, धुआं से बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए फायर ब्रिगेड को फोन करके किसी ने बुलवा लिया। और कोई बात नहीं, ये आग सवेरे लगी थी और ये किसी को पता नहीं आग कैसे लगी, ठीक है। और उस तरफ जो आग लगी वो तो कल ही लगी हुई थी, कल ही शाम में लगी थी वो आग। इधर इस तरफ जो है आज लगी है, 8 बजे करीब, सुबह 8 बजे करीब, और पता नहीं कैसे आग लगी। ये कॉल भैया हमें 10:44-45 पे मिली, जब भी हम अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँचे टीम तक, जब उसमें कवर नहीं हुई हमने दूसरी गाड़ी मंगाई, तो हमारी गाड़ी लगी हुई है फिलहाल आग बुझाने के लिए। ज़्यादातर चांस यहाँ पे कोई तिल्ली वगैरह लगा सकता है, इसमें आग जब नाले में आग लगती है ऐसे तो लगती है। पूर्वी दिल्ली की सड़कों पर घर बनाते समय तोड़फोड़ के दौरान निकलने वाले मलबे को इधर उधर कहीं भी फेंक दिया जाता है। ऐसा ही हाल विकास मार्ग का भी है, जहां पास में ही इस तरह का मलबा काफी दिनों से पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को सड़कों पर गाड़ियां चलाने में और राहगीरों को रास्ते में आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, पास में एक स्कूल भी है जहाँ, जिसकी वजह से रोजाना कई सारे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं। जब हमने स्कूल के गार्ड से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ रोजाना छुट्टी के दौरान जाम लगता है और सड़कों पर पत्थर और रोड़ियां फैल जाती हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है, लेकिन इसको लेकर कोई खास कदम नहीं उठाए जा रहे। इन मलबे को कभी रेडी और कभी रेल्टो ट्रैक और ट्रकों के जरिए किनारों पर डाल दिया जाता है। ये तो हर समय में डेली यहाँ पे पड़ा रहता है, बहुत दिन हो गए यहाँ पे, कम से कम 2 साल से पड़ा रहता है हर बार।
कंप्लेन जाता है, दो चार दिन साफ हो जाता है, फिर दोबारा फिर लाके डाल जाते हैं। ये रात को सुबह 4 से 5 बजे तक डाल के चले जाते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली वाले। कंप्लेन एमसीडी वाले को कंप्लेन दिया गया है, मीडिया वाले भी आके यहाँ मैंने ये करके गए हैं 2-3 बार, लेकिन फिर वही कंप्लेन जाता है तो फिर 2-4 दिन साफ हो जाता है, फिर लाके फिर दिक्कत है। बच्चों के जैसे गाड़ियाँ यहाँ पूरे जाम लग जाती है रोड, वैन वगैरह भी आने के लिए दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। मैं स्कूल की बस चलाता हूँ, ये खड़ी बहुत दिक्कत होती है, 2 बजे तो यहाँ इतना जाम लग जाता है कुछ कहने को नहीं। 2-2.5 सालों से मलबा पड़ा हुआ है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हर बार ही पड़ता है, उठ जाता है फिर नाइट में डाल जाते हैं, उठ जाता है फिर डाल जाते हैं, ऐसे होता है, पूरा जाम लग जाता है पीछे तक। ये वो डाल जा रहे हैं ट्रैक्टर वाले, हाँ रोज़ का रात को डाल के जाते हैं, दिन में नहीं डालते हैं, रात को डाल के जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, नहीं शिकायत स्कूल तरफ जाते पर कोई सुनवाई नहीं होती। जाम बिल्कुल हादसे का डर, वहाँ तक मलबा पड़ा रहता है कोने तक, पूरा जाम लग जाता है पीछे तक, पूरा बच्चे निकलने में। ये मलबा हटाना चाहिए और क्या, ये कब से ही मलबा पड़ा रहता है, हटाते हैं फिर ऐसे ढेर लग जाता है, फिर हटाते हैं फिर ढेर लग जाता है। कई बार तो डर लगता है पैदल आते हुए भी कि कोई गाड़ी वाला मार ना जाए, क्यों पीछे से एकदम ट्रैफिक खुलता है और वो चोट लगने का या गिरने का, क्योंकि वो तो एकदम स्पीड से आते हैं तो वो डर लगता है। इसलिए इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई पक्का सलूशन निकाले, क्योंकि एक बार इन्होंने सारा साइड में बनाया भी था लेकिन उसके बावजूद भी फिर ये सारा मलबा, किसी के घर का तो हो नहीं सकता, किसी रोड वोड का या बिल्डिंग का ही होगा, तो इन चीज़ों का सलूशन होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती 14 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी, इसको लेकर पूर्वी दिल्ली में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अंबेडकर चौक से लेकर पार्क को सजाया गया है। इसी कड़ी में गांधीनगर के डीएवी स्कूल में डॉक्टर बीआर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मीनगर के पूर्व पार्षद संतोष पाल और गांधीनगर क्षेत्र के विधायक अनिल बाजपेयी पहुंचे। इसको लेकर जब संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि आज जैसे लोग सारी सुविधाएं होने के बाद भी कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, लेकिन अंबेडकर जी ने अपनी शिक्षा अपने देश में और देश के बाहर जाकर भी उस समय पूरी की थी जब छुआछूत जैसी प्रथा चलती थी, तो हमें उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को पूर्वी दिल्ली में मनाई जाएगी बड़े हर्षोल्लास के साथ और माल्यार्पण किया जाएगा और सभी क्षेत्रवासियों के पास जाकर उन्होंने समाज में क्या क्या कार्य किए, समाज के लिए क्या क्या कार्य किए, कैसे उन्होंने समाज में असमानता को खत्म करा, कैसे जाति व्यवस्था खत्म करी, और उन्होंने संविधान के वह निर्माता थे और संविधान रचकर उन्होंने लोगों के जीवन को कितना आसान बनाया, इन सारी खूबियों को समाज के एक एक वर्ग तक एक एक लोग तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर पूर्वी जिले के एटीएस टीम ने एक युवक को गिरफ्तार कर उससे चोरी की 4 स्कूटी और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपित की पहचान वेस्ट ज्योति नगर निवासी अभिषेक के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपित ने पुलिस को बताया कि वो ड्रग्स और शराब की लत को पूरा करने के लिए वाहन चोरी करके आगे बेचता था। उत्तर पूर्वी जिला DCP डॉक्टर जॉय टिर्की ने बताया कि लोकसभा चुनाव के चलते सड़कों पर चेकिंग की जा रही है। मंगलवार को सूचना मिली थी कि दोपहिया वाहन चोरी करने वाले एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर लोनी गोल चक्कर होकर निकलने वाला है। इस पर वहां चेकिंग शुरू कर दी गई। बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल आते देख उसे रोक लिया गया तो उस पर सवार व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगा। टीम ने फिर से उसे दबोच लिया। जब उसकी मोटरसाइकिल के नंबर की जांच की गई तो पता चला कि उसकी चोरी के संबंध में जाफराबाद पुलिस थाने में FIR दर्ज की हुई है। उसे पूछताछ के बाद ज्योतिनगर LTG फ्लैट के पास से 4 स्कूटी और बरामद की गई। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।